हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के अंदर आप डिस्कस करेंगे अपने केमिकल बॉन्डिंग दे टेस्ट से वीडियो सॉल्यूशंस। आई होप सब द टेस्ट काफ़ी वधिया गया होना, तो उन्होंने काफ़ी वधिया इस टेस्ट के अंदर स्कोर किया। तो देखो अपने को जेडे अपने मास्टर कैडर लिए आप लैक्चर नंबर 6 तक इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर क्वेश्चन पाए थे, जेडे कि अपने मोस्टली हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड ने, स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री बेस्ड ने, तो अपने को डायपोल मूवमेंट की कीती गई है इनकलूड की है, तो उस अलावा फजान सूल अपने पंचायत टॉपिक्स बेस्ड क्वेश्चन इस टेस्ट के अंदर पाए थे। तो हूँ आप वीडियो सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, जेडे भी स्टूडेंट के किसी भी क्वेश्चन जो बाय चांस मिसटेक हो उस तो कवर कर सकते हैं। हूँ अपने तो देखो पहला क्वेश्चन की पूछा गया है। पहले क्वेश्चन अपने तो पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलीक्यूल्स एज अ मैक्सिमम डायपोल मूवमेंट, सब तो हाईएस्ट डायपोल मूवमेंट किसका है। हूँ जो आप CO2 का स्ट्रक्चर बनाइए अपने को कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होंगे CO2 का, जो इस केस आप देखिए डायपोल मूवमेंट कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, बिकॉज इसका वैक्टर इस डायरेक्शन होएगा, इसका वैक्टर इस डायरेक्शन होएगा, दो वैक्टर आपस की हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे, तो इसकी जी डायपोल मूवमेंट है नैट डायपोल मूवमेंट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बाद देखो अपने को सैकेंड मॉलिकूल है, देखो बिल्कुल की है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल की है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, बिकॉज सारे हाइड्रोजन कितने सेम ने। जो भी कोई सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होंगे डायपोल मूवमेंट हमेशा ही होंगी अपने को 0 होंगी है, एज इट इज़ अपने क्लास से डिस्कस किया हुआ है। हम तीजे नंबर देखो अमोनिया मॉलीक्यूल, हम अमोनिया मॉलीक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होंगे, नाइट्रोजन के उपर लोन पेयर, तीन की होंगे ने हाइड्रोजन अटैच होंगे ने। हम इस स्ट्रक्चर किस तरह फाइंड आउट कर देंगे, सब तो पहले अपन हाइब्रिडाइजेशन आनी चाहिए है, हाइब्रिडाइजेशन तो अपना स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर सकते हैं। उस तो बाद देखो NF3 का स्ट्रक्चर अपने को इस तरह बन जाएगा, NF3 का स्ट्रक्चर अपने को कुछ इस टाइप का बन जाएगा। हूँ इन दोहों चो किसकी डायपोल मूवमेंट ज़्यादा होएगी, बिकॉज पहले दो मॉलीक्यूल्स से डायपोल मूवमेंट 0 है, हूँ सैकेंड से सॉरी थर्ड ऑप्शन से फोर्थ ऑप्शन की अपना की होना करैक्ट आंसर होना। हूँ देखो अपने जो वैक्टर ने मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट वाल लगाने होंगे ने, मतलब नाइट्रोजन वाल लगावे, नाइट्रोजन तो हाइड्रोजन चो नाइट्रोजन की है मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव, तो जो एरो होंगे हमेशा ही लोन पेयर वाल जाता है, मतलब सारे ही एरो उपर नूं जा रहे हैं, तो इसकी डायपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू 0 है, बट सारे ही डायपोल मूवमेंट की ने एक डायरेक्शन ने, मतलब इसका नैट डायपोल मूवमेंट कि डायरेक्शन है अपवर्ड है। हूँ नीचे वाले केस देखो जो लोन पेयर वाल होंगे इस वाल तो हमेशा एयर लोन होंगे, नाइट्रोजन तो फ्लोरीन चो फ्लोरीन की होंगे ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव होंगे, तो आप एरो किस वाल लगावे, फ्लोरीन वाल लगावे, तो देखा जाए तो इस केस डायपोल उपर भी लग रहे हैं नैट नीचे भी लग रहे हैं, तो थोड़ा बहुत की होंगे कैंसल होंगे। इस केस भी डायपोल मूवमेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, बट इस केस अपने को जो डायपोल मूवमेंट है NH3 घट होएगा, तो NH3 का की है हाईएसट डायपोल मूवमेंट है, NH3 मॉलीक्यूल का की है हाईएसट डायपोल मूवमेंट है, बिकॉज सारे एरो ही की जाते हैं उपर वाल जा रहे हैं, इस केस जो सारे डायपल्स ने एक डायरेक्शन ने पूरे थोड़े बहुत की हो रहे हैं कैंसल आउट हो रहे हैं, इस करके जो हाईएसट डायपोल मूवमेंट है आंसर आ जाएगा अपने को अमोनिया। तो इस क्वेश्चन लिए अपना करैक्ट आंसर बनना सी NH3। देखो अपना नैक्सट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मॉलीक्यूल, कि पोलर मॉलीक्यूल है, मतलब उसका की है नैट डायपोल मूवमेंट है, तो पोलर मॉलीक्यूल का की मतलब है कि उसका की है नैट डायपोल मूवमेंट प्रेजेंट है, नैट डायपोल मूवमेंट उस की है प्रेजेंट है। हूँ देखो अपने को SF4 SF4 की आप गल करिए, इसकी आप हाइब्रिडाइजेशन कटिए, हाइब्रिडाइजेशन आप कर दें स्टेरिक नंबर फाइंड आउट कर दें, स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला की होंगे हाफ इंटू नंबर ऑफ वेलेंस इलैक्ट्रॉन, सल्फर के किन्ने वेलेंस इलैक्ट्रॉन होंगे बई सबू पता है सल्फर ग्रुप 16 का होंगे, तो ये 6 वेलेंस इलैक्ट्रॉन होंगे ने प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने 4, तो अपने को 10/2 दैट इज 5, तो इस केस अपने को हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी SP3, तो हाइब्रिडाइजेशन की आ गई अपने को SP3D। हूँ देखो ये अपने को स्टेरिक नंबर 5 है, स्टेरिक नंबर 5 है, तो SF4 4 तो अपन बॉन्ड्स बने दिख रहे हैं फ्लोरीन नाल, तो अपने को बॉन्ड पेयर्स किन्ने हो गए, बॉन्ड पेयर्स हो गए 4, लोन पेयर की गल करिए 5 चो 4 माइनस कर दो 1, मतलब इस को आएगी 4 बॉन्ड पेयरस तो 1 लोन पेयर। उस तो बाद जिस आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए एक लोन पेयर कि पोजिशन जाएगा अपने को इक्वेटोरियल पोजिशन से, बाकी अपने को कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो इस टाइप का की बन जाएगा अपने को स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका SF4 मॉलीक्यूल का, तो इस स्ट्रक्चर में आप बोलते हैं के शेप, या इसी आप बोल देना ISO शेप बोल देना, इसी की बोल देना आप ISO ज्योमेट्री, ठीक है ना ISO शेप बोल देना। बेसिकली हूँ देखो इस केस की है नैट डायपोल मूवमेंट की है नॉट इक्वल टू 0 है, इस केस
म्यू नेट की है नॉट इक्वल टू जीरो, इसका की रीजन है अपने को देखो, उपर वाला वैक्टर नीचे वाला वैक्टर ये तो आपस से कैंसल आउट हो रहे हैं, या एक उपर वाला फ्लोरिन है ये वाला फ्लोरिन ए वाला फ्लोरिन ये तो आपस की हो रहे हैं कैंसल आउट हो रहे हैं। बट जे आप ध्यान देखिए हूँ आ सल्फर के फ्लोरिन का इस तरफ लग रहा है डाइपल, इसका इस तरफ लग रहा है, सल्फर तो लोन पेयर का इस डायरेक्शन लग रहा है, देखने लग रहा है आपस कट रहे हैं बट ये कट नहीं रहे बिकॉज लोन पेयर का अपने को हैगा डाइपल मूवमेंट थोड़ा जहा तो फ्लोरिन करके इस तरफ की लग रहा है ज़्यादा डाइपल मूवमेंट लग रहा है, तो इस करके जोड़ा अपने को एस एफ फोर मोलीक्यूल है ये की होगा पोलर मोलीक्यूल, एस एफ फोर की होगा अपना पोलर मोलीक्यूल होगा। तो इस क्वेश्चन लिए अपना करैक्ट आंसर की बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, ठीक है फर्स्ट ऑप्शन की बन जाएगा, इस क्वेश्चन लिए अपना करैक्ट बन जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ऑप्शन लगाया सी वो सही ने, हम जो बाकी चार ऑप्शन चैक करने होंगे तो चैक करके देख लियो अपने एंड से कि उन्होंने जी डाइपल मूवमेंट है वो कितनी आएगी अपने को जीरो आएगी, बाकी सारे मॉलिक्यूल्स की डाइपल मूवमेंट अपने को जीरो आएगी। तो देखो अपने को क्वेश्चन नंबर थ्री ए वाला अपने को क्वेश्चन नंबर थ्री पूछेगा अपने को नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ध्यान देखो उसने पाई बॉन्ड्स नहीं पूछे अपने को, उसने पूछे पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। देखो जी अपने कोई सिंगल बॉन्ड होंगे ए तो बी दो एटम्स ने उन्होंने बच्चे जो सिंगल बॉन्ड है तो हमेशा कहड़ा बॉन्ड होंगे सिगमा, ए तो बी के अंदर डबल बॉन्ड है तो उस एक सिगमा बॉन्ड होंगे तो एक पाई होंगे, ए तो बी के ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो उस एक सिगमा होंगे एक पाई होंगे। हूँ देखो पाई बॉन्ड्स कितने ने, एक पाई बॉन्ड ए रहा, एक पाई बॉन्ड ए रहा, एक पाई बॉन्ड ए वाला, एक पाई बॉन्ड ए रहा, तो उरे अपने को नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स किन्ने आ गए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स किन्ने आ गए अपने को, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स किन्ने आ गए फोर। बट उसने पूछा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, हूँ एक बॉन्ड के अंदर किन्ने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ने, दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ने, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन किन्ने बन जाएंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है फोर इंटू टू दैट इज एट। तो इस क्वेश्चन लिए अपना करैक्ट आंसर कितना बनना सीगा, एट बनना सी, जिहड़े भी स्टूडेंट्स ने एट ऑप्शन टिक किया सी वो एब्सोल्यूटली किने गए करैक्ट ने। उस तो बाद देखो आप नैक्सट क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, उसने पूछा है प्रिडिक्ट द करैक्ट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, तो सुनो जो मैं बी एस ई पी आर थ्यूरी पढ़ाई सी, ठीक है कि थ्यूरी आप डिस्कस की सी बी एस ई पी आर ये विलियन शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्यूरी, उस आप डिस्कस किया जी लोन पेयर रिपल्शन होंगी है वो सब तो ज़्यादा होंगी है, फिर अपने को लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर अपने को होंगी है बॉन्ड पेयर, सब तो ज़्यादा कि रिपल्शन होंगी अपने को लोन पेयर रिपल्शन होंगी है, सब तो ज़्यादा कि रिपल्शन होंगी लोन पेयर फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर फिर बॉन्ड पेयर। तो इस क्वेश्चन लिए अपना करैक्ट आंसर बनना सीगा ऑप्शन नंबर फोर, ठीक है ईजी क्वेश्चन सीगा थोरैटिकल क्वेश्चन से अपने को विलियन शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी दे बेस्ड। उस तो बाद देखो अपने को नैक्सट क्वेश्चन है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, ठीक है तीन अपने को मॉलीक्यूल्स इतने उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन पूछी गई है, तो इसका आंसर देखो अपने को सब तो पहले आप एनओ टू प्लस की कढ़ देंगे, ठीक है पहले आप इसका स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करते हैं, स्टेरिक नंबर लिख करेंगे हाफ इंटू नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ने बई फाइव, तो ऑक्सीजन अपने कंसीडर नहीं करना होंगे, हूँ प्लस चार्ज करके की आ जाएगा माइनस वन, तो स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा अपने को फोर डिवाइड बाय टू दैट इज अपने को स्टेरिक नंबर आ जाएगा टू, स्टेरिक नंबर टू आ गया तो अपने को एस पी हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी, पहले मॉलिक्यूल तो अपने को एस पी हाइब्रिडाइजेशन बन गया, तो ए वाला ऑप्शन कट गया, ए वाला ऑप्शन अपने लिए कट गया। हूँ उस तो बाद देखो एनओ थ्री माइनस, एनओ थ्री माइनस इसका स्टेरिक नंबर फाइंड आउट किया हाफ इंटू नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइव, ऑक्सीजन अपने कंसीडर नहीं करना, नैगेटिव करके एक ऐड करेंगे तो सिक्स बाय टू, तो स्टेरिक नंबर आ गया थ्री, तो अपने को हाइब्रिडाइजेशन कि बन जाएगी एस पी टू, पहले केस से अपने को हाइब्रिडाइजेशन कि बनी सी एस पी, तो पहला अपने को एस पी फिर एस पी टू, तो ए वाला ऑप्शन भी कट गया, कि अपने ऑप्शन कितना बच गया थर्ड। चलो आप थर्ड भी चैक करते हैं कोई इशू नहीं है, एन एच फोर प्लस ये नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने ने फाइव ने गे, उस तो चार अपने को सिंगल बॉन्ड्स अटैच ने, चार की ने सिंगल बॉन्ड्स अटैच ने, तो प्लस चार्ज करके की करना अपने माइनस वन कर देने, तो उरे अपने को स्टेरिक नंबर आ जाएगा फोर, जो स्टेरिक नंबर फोर आ गया तो अपने हाइब्रिडाइजेशन कि बन जाएगी एस पी थ्री, तो इस केस अपने करैक्ट आंसर से एस पी टू तो एस पी थ्री, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड की अपने लिए करैक्ट है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है इस क्वेश्चन लिए अपना कितना आंसर करैक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड।
उस तो बाद अपने को नैक्सट क्वेश्चन देखो, ये नैक्सट क्वेश्चन अपने को एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, ठीक है ना। एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन तो सबनों पता है अपने को वाटर की हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू होंगी है, लो सबनों पता है, ठीक है ना। वैसे आप कड भी सकते हैं एसपी टू पूछे ना, उसने एसपी टू पूछे, ये अपने तो पूछे गए एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन। अगर एसपी थ्री पूछा होता फिर तो आप ईजली टिक कर देंगे। चलो हम अपन पता है वाटर की एसपी थ्री है, चलो ये वाला ऑप्शन तो कट सकते हैं। उस तो बाद अमोनिया की भी एसपी थ्री होंगी है, ये वाला ऑप्शन भी कटता, ठीक है ना। अपने लिए ऑप्शन ज्यादा सैकेंड बचेगा या ऑप्शन नंबर फोर्थ बचेगा, आप एक बार चेक कर लेने बी एफ थ्री। तो बी एफ थ्री के केस अपने को स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा, हाफ इंटू ब्रोन के वेलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बई थ्री प्लस तीन नाल कि क्लोरीन अटैच ने, अपने को स्टेरिक नंबर आ गया इस केस थ्री। तो अपने को हाइब्रिडाइजेशन होंगी एस पी टू, अपने याद कर रखे हैं स्टेरिक नंबर टू हो एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर थ्री एस पी हाइब्रिडाइजेशन। स्टेरिक नंबर अपने भी थ्री हो तो उस केस एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर फोर है तो अपने को एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर फाइव है तो अपने को एस पी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन, तो अपने को स्टेरिक नंबर सिक्स है तो एस पी थ्री डी टू हाइब्रिडाइजेशन। अगर स्टेरिक नंबर अपने सैवन है तो अपने को हाइब्रिडाइजेशन बनेगी एस पी थ्री डी थ्री। तो नैक्सट वाले केस आप डिस्कस नहीं करते हैं। चलो हम बी एफ थ्री तो अपने को मैच हो गया, उस तो एन ओ टू की मैच कर लो, एन ओ टू माइनस थ्री। इस केस स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा, हाफ इंटू फाइव प्लस वन डिवाइड बाई टू, कहते इसमें आप सॉल्व करेंगे अपने को कि नहीं आएगा थ्री, थ्री के मतलब अपने को आंसर की आ जाएगा एस पी टू। इस क्वेश्चन लिए अपना करेक्ट आंसर बनना सी दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड की इस क्वेश्चन लिए अपना करैक्ट सेगा। जेडे भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन सेकंड टेक किया है वो एब्सोल्यूटली करैक्ट ने। उस तो बाद देखो नैक्सट क्वेश्चन अपने को एन ओ थ्री माइनस तो एच थ्री ओ पॉजिटिव, तो अपन कुछ प्रॉपर्टीज दी ने, इन्हें जो पूछना है कि करैक्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर तो अपन एन ओ थ्री माइनस का, दूजा अपन एच थ्री ओ प्लस का। ठीक है, तो पहला पूछे हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की कढ़ लैने, आप कोई बड़ा इशू नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन लिए आप डायरैक्ट सोल्व कर दा, हाफ इंटू फाइव प्लस वन सिक्स बाय टू डेट इज थ्री, थ्री से अपने को आ जाएगी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन। तो इस वाले मॉलिकूल की हाइब्रिडाइजेशन है वो की है एस पी टू। हम जो आप एच थ्री ओ पॉजिटिव सोल्व करा तो ऑक्सीजन के वेलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे सिक्स, ए प्लस तीन हाइड्रोजन अटैच ने, तो प्लस चार्ज करके माइनस वन डिवाइड बाय टू, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी अपने को एस पी थ्री। मतलब ए वाले एनओ थ्री माइनस की हाइब्रिडाइजेशन आई अपने को एस पी टू, ठीक है। एच थ्री ओ प्लस की हाइब्रिडाइजेशन आई अपने को एस पी थ्री। पूछा गया सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ टू स्पीशीज एनओ थ्री आर डिस्क्राइब्ड बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करैक्ट, ए डिसिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन फॉर सेंट्रल एटम विद डिफरेंट स्ट्रक्चर। बिल्कुल दोहां दी हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है अपने को, ऑप्शन फर्स्ट ही की हो गया अपना करैक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही की हो गया करैक्ट हो गया, बिकॉज अपने को पहली ऑप्शन उसने बिल्कुल सही किया है कि जी हाइब्रिडाइजेशन है उन्होंने की है डिफरेंट है, एक की एस पी टू है एक की एस पी थ्री है। तो अपन बाकी ऑप्शन चैक करने की जरूरत नहीं हैगी, बाकी ऑप्शन अपन चैक करने की जरूरत नहीं हैगी। तो अपना आंसर की हो जाएगा इस क्वेश्चन लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट की हो जाएगा अपने को करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ए डिस्कस कर देंगे अपने को, ठीक है। ए क्वेश्चन से पूछे अपने कोवलेंट करैक्टर का ऑर्डर, ठीक है। हम कोवलेंट करैक्टर नूं, ठीक है ना, आयनिक बॉन्ड के अंदर कौन एक्सप्लेन करता है, फजांस रूल। आप फजांस रूल एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेने, फजांस रूल अपने को होंगे की है, फजांस रूल अपने को यूज किया जाता है टू एक्सप्लेन कोवलेंट करैक्टर इन आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट करैक्टर एक्सप्लेन करने लिए आप यूज कर देंगे फजांस रूल कर देंगे। तो फजांस रूल अपने को कुछ कंडीशन होंगे ने, कटायन लिए कुछ कंडीशन होंगे ने, कुछ कंडीशन होंगे ने अपने को अनायन लिए। तो कटायन लिए कि कंडीशन होंगे ने, तो कटायन का साइज होना चाहिए वो की होना चाहिए समॉल साइज होना चाहिए, तो कटायन का की होना चाहिए समॉल साइज ते हाई चार्ज, स्मॉल साइज ते हाई चार्ज होना चाहिए। तो उस तो इलावा जेडे कटाइन सूडोनोबल गैस कॉन्फिगरेशन रखते हैं, अपने सूडोनोबल गैस कॉन्फिगरेशन की होंगी है लैक्चर से आप डिस्कस कर चुके हैं सूडोनोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो उन्हों की पोलराइजिंग पावर की होंगी है कि ज़्यादा होंगी है, ठीक है। ये कंडीशन होंगी अपने को हाई पोलराइजिंग पावर की, इसकी कंडीशन होंगी है हाई पोलराइजिंग पावर की।
उस तो बाद देखो अनाइली अपा की डिफाइन कर देंगे, जिन्ना साइज हाई होवे, हायर साइज या लार्जर साइज लिख लो। लार्जर साइज अपने को होना चाहिए तो अलावा हाई चार्ज, तो ये कंडीशन होंगे ने अपने को इस दियां कोवेलेंट करैक्टर दी, क्या कंडीशन फॉर कोवेलेंट करैक्टर, जिन्नी ये कंडीशन फॉलो होनगियां तो उन्ना ही की होएगा अपने को हाई कोवेलेंट करैक्टर होगा, क्या ये कंडीशन किस दी ने हाई कोवेलेंट करैक्टर दी, हाई कोवेलेंट करैक्टर दी, तो जिन्नी ये कंडीशन फॉलो होनगियां उन्ना कोवेलेंट करैक्टर की होगा ज़्यादा होगा किसी आयनिक बॉन्ड के अंदर। चलो हम आपको क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखो रे मैटल सारे कितने फिक्स करता, उन्होंने मैटल में फिक्स करता सारे कितने, मैटल से ये प्लस वन चार्ज है, मतलब कटाइन नाल तो आप आंसर दे नहीं सकते, कटाइन नाल आंसर क्यों दे सकते, कटाइन तो सारे कितने सेम है, उरे भी एम प्लस है, उरे भी एम प्लस है, एम प्लस एम प्लस, तो कटाइन तो छोड़ दो। आप गल करते हैं अनाइन, अनाइन कहे दिते ने, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ना ये कितने अपने को अनाइन। हूँ जिड्डा लार्ज साइज होगा अनाइन का उन्ना की होगा अपने कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा, ठीक है ना, जिन्ना लार्ज साइज होगा अनाइन का उन्ना कोवेलेंट करैक्टर की हो जू ज़्यादा हो जू, मतलब जिस केस च एम आई का सब तो ज़्यादा की होगा कोवेलेंट करैक्टर होगा, एम आई का की होगा सब तो ज़्यादा कोवेलेंट करैक्टर, फिर एम बी आर, फिर एम सी एल, फिर एम एफ। तो अपने को इस क्वेश्चन लिए करैक्ट आंसर बनना सी ऑप्शन नंबर थर्ड, ने पूछा गया अपने कोवेलेंट करैक्टर का ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब पहले अपने हाईएस्ट दसना है फिर लोएस्ट दसना, तो इस क्वेश्चन ने अपना करैक्ट आंसर से वो सी ऑप्शन नंबर, ठीक है ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड की बन गया इस क्वेश्चन ने अपना करैक्ट आंसर बन जाएगा, जेटा कि अपने एक्सप्लेन करना सी फजांस रूल के बेस से, तो ये वाली कंडीशन हूँ डेफिनेटली आनी चाहिए ने गिया, ठीक है फजांस रूल में एक्सप्लेन कर ली, कोवेलेंट करैक्टर कदों ज़्यादा होगा, कटाइनली आप डिफाइन करते हैं पोलराइजिंग पावर, तो अनाइनली डिफाइन करते हैं आप पोलराइजेशन, जिन्ना ज़्यादा अपने को पोलराइजिंग पावर होएगी ठीक है उन्ना कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होएगा, कि पोलराइजिंग पावर सारे कितने सेम है तो आप चेक करेंगे अनाइनली पोलराइजेशन। अनाइनली आप कि कंडीशन चेक करनी होंगे ने, एक होंगे लार्ज साइज तो एक होंगे अपने को हाई चार्ज, तो यह सिंपल जहाँ अपने को होंगे फजांस रूल होंगे, इसमें तुम अपने एंड से ध्यान रखना है। उस तो बाद देखो द एंगुलर शेप ऑफ ओजोन मॉलीक्यूल कंसिस्ट ऑफ, देखो ओजोन का स्ट्रक्चर अपन याद ही करना है, ओजोन का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होंगे अपने को, ओजोन का क्या होंगे अपने को इस तरह स्ट्रक्चर होंगे एंगुलर शेप वाला स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये जो स्ट्रक्चर होंगे एंगुलर, तो इसमें आप बोल देना बेंट शेप, इसमें आप बोल देना एंगुलर शेप बोल देने या इसी की बोल देने आप बेंट शेप बोल देने, तो इस केस देखो अपने को एक सिगमा बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड के अंदर एक सिगमा होंगे तो एक पाई होंगे, तो जो अपने को ओजोन मोलीक्यूल है इस दो तो सिगमा बॉन्ड्स ने एक की अपने को पाई बॉन्ड है, ये दो सिगमा बॉन्ड्स ने एक पाई बॉन्ड है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपने को ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन की बन जाएगा इस क्वेश्चन लिए अपना करैक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन इज ग्रेटर दैन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन दे फ्लोरीन दे अंदर अपने को इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो हाई है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, दैट डाइपल मूवमेंट ऑफ एन एस थ्री, ठीक है अमोनिया का डाइपल मूवमेंट किन्ना है अपने को 1.5 डी बाई, जे आप गल करिए एन एफ थ्री की, एन एफ थ्री का अपने को डाइपल मूवमेंट है 0.2 डी बाई, तो हूँ उसने पूछेगा कि अमोनिया का डाइपल मूवमेंट क्यों ज़्यादा है, ये तो आप उपर एक्सप्लेन ही कर चुके हैं, ठीक है इस चीज़ को आप एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अमोनिया के केस की होंगे गा, केवल अपने को अमोनिया का स्ट्रक्चर है, केवल अपने को स्ट्रक्चर है एन एफ थ्री का, एक स्ट्रक्चर अपने को अमोनिया का, एक स्ट्रक्चर अपने को एन एफ थ्री का। हम जो आप गल करिए अमोनिया के केस से सारे डाइपल की डायरेक्शन देखो कि इस भी उपर जाएगा डाइपल, ये वाला डाइपल भी उपर, ये वाला डाइपल भी उपर, ये वाला डाइपल भी उपर, मतलब सारे डाइपल की जा रहे हैं एक डायरेक्शन अंदर की ने अलाइन ने, बट एन एफ थ्री के केस की हैगा ये वाला डाइपल उपर जाएगा, ये वाले की होंगे एंटी डायरेक्शन जाएंगे, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन जाएंगे, इस करके कुछ डायपल मूवमेंट की हो जाता है कैंसल आउट हो जाता है, इसीलिए अपने को जो एन एच थ्री का डायपल मूवमेंट होंगे वो ज़्यादा होंगे, एन एच थ्री का डायपल मूवमेंट की होंगे ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू एन एफ थ्री, एक किसका ऑर्डर बन जाएगा अपने को डायपल मूवमेंट का, जोड़ा एन एच थ्री मोलीक्यूल होंगे उसका डायपल मूवमेंट अपने को ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू एन एफ थ्री, तो अपने को करैक्ट आंसर की बन जाएगा इन एन एच थ्री एज वेल एज एन एफ थ्री द अटोमिक डायपल्स एंड बॉन्ड डायपल्स आर इन सेम डायरेक्शन, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, तो एक अपने को सेम साइड ने एन एच थ्री से एन एफ थ्री ऑपोजिट साइड ने गए,
देखो इन NH3 द अटोमिक डाइपल्स एंड बॉन्ड डाइपल्स आर इन सेम डायरेक्शन, बिल्कुल सही है अमोनिया के अंदर था। वेयर एज NF3 देर आर ऑपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल सही है ना, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहता उन्होंने। तो इस क्वेश्चन ही अपना करेक्ट आंसर बन जाएगा सेकंड ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन की बन जाएगा अपने को एब्सोल्युटली करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ये देखो ये तो कोई बड़ा इशू नहीं है, VF3 आंसर आ जाएगा है ना अपने को, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा VF3। तो देखो अपने को बाकी मॉलिक्यूल्स भी आप बना सकते हैं, ज्योमेट्री शेप्स बना सकते हैं, बट BF3 से अपन पता है इस तरह शेप होंगी है। अपन क्लास अंदर काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स की प्रैक्टिस किए थे, ये वाली की होंगी अपने को ट्राइगोनल प्लेनर शेप होंगी है अपने को BF3 मॉलिक्यूल की। इस क्वेश्चन अपना करेक्ट आंसर बनना सीगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, या फोर्थ ऑप्शन किसी इस क्वेश्चन लिए अपना करेक्ट सीगा। एक कोवलेंट करैक्टर पूछे, कोवलेंट करैक्टर ये फिर क्वेश्चन आ गया अपने को। देखो ClCl और अनायन सारे कितने Cl माइनस है, अनायन तो आप डिसाइड नहीं कर सकते। कटायन देखो कटायन 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 लिए अपने को कटायन लिथियम प्लस है, एक है सोडियम प्लस, एक बेरिलियम प्लस टू है। सब तो पहली गल कटायन लिए कि कंडीशन सी कोवलेंट करैक्टर की याद करो, सब तो पहला की सी होना चाहिए स्मॉल कटाइन होना चाहिए, स्मॉल कटाइन कटाइन की होना चाहिए स्मॉल, हाई चार्ज होना चाहिए। तो सब तो ज़्यादा तो अपने को हाई चार्ज वाला इतना जाएगा, मतलब रिलियम प्लस टू वाला तो अपने को सब तो ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर रखेगा। उस तो बाद लीथियम तो सोडियम, ये लीथियम तो सोडियम तो छोटा केड़ा होंगे अपने को, लीथियम प्लस होंगे, लीथियम प्लस तो सोडियम प्लस तो छोटा केड़ा होंगे अपने को लीथियम प्लस होंगे, बिकॉज डाउन द ग्रुप जानते अपने को साइज इनक्रीज होंगे, तो लिथियम का साइज के छोटा है, तो इसलिए सब तो ज़्यादा अपने को बेरिलियम प्लस टू वाले मॉलिक्यूल कोवलेंट करैक्टर होएगा। उस तो बाद लिथियम प्लस वाले च, उस तो बाद सोडियम प्लस वाले। देखो अपने को किहड़ी सीक्वेंस बन रही है इस क्वेश्चन लिए, ये मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर थर्ड बनेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड की हो जाएगा इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो ऑप्शन नंबर थ्री की हो जाएगा इस क्वेश्चन की अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर देंगे, अपने को पूछ कि इतने मॉलिक्यूल्स दिते, उस पूछे किड़े मॉलिक्यूल्स के अंदर जीनोन ते सेम नंबर ऑफ लोन पेयर्स ने। देख लो चेक कर लेने कि जीनोन की अपने को इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी 8+0/2 4, ये 4 आ गया स्टेरिक नंबर, तीन और बॉन्ड्स दिख रहे हैं, तो बॉन्ड पेयर किन्ने हो गए अपने को 3, बाकी किन्ने बच गए एक लोन पेयर बच गया। पहले केस से अपने को आ गया जीनोन ते लोन पेयर किन्ने आ गए 1, पहले केस जीनोन ते लोन पेयर किन्ने आ गए 1। हुण जे आपां सैकेंड मॉलीक्यूल की गल करिए 8+4/2, ये किवें कीता मैंने, जीनोन दे वैलेंस इलैक्ट्रॉन 8, ऑक्सीजन कंसीडर नहीं करते, क्लोरीन दे वैलेंस इलैक्ट्रॉन 4, तो इस केस च अपने कोल स्टेरिक नंबर आ गया 6। हुण 6 चों अपने कोल एक ऑक्सीजन नाल 4 फ्लोरीन नाल 5 बॉन्ड्स बन रखे ने, तो बॉन्ड पेयर किन्ने हो गए अपने कोल 5, ते लोन पेयर किन्ने हो जाएंगे 1। इस केस भी लोन पेयर किन्ना गया अपने को एक आ गया, फर्स्ट केस भी लोन पेयर एक सी, सैकेंड केस भी अपने को लोन पेयर की आ गया एक आ गया। हूँ इस केस देखो अपने को जीनोन दे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, क्लोरीन दे 6 आ गए डिवाइड बाय 2, ये 7 आ गया अपने को स्टेरिक नंबर, बॉन्ड पेयर किन्ने ने 6, लोन पेयर किन्ना गया अपने को 1, लोन पेयर किन्ना गया 1, तो इस केस भी अपने को आ गया लोन पेयर 1 आ गया। क्वेश्चन जो उसने पूछा कि सीगा दोज हैविंग सेम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन जीनोन, तो सारे केसिस की है एक लोन पेयर है जीनोन ते, तो इस क्वेश्चन लिए अपना आंसर फर्स्ट सैकेंड थर्ड तीनों ही आ जाएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ की हो जाएगा करैक्ट हो जाएगा। तो उसने पूछा सी जीनोन ते सेम नंबर ऑफ लोन पेयर केड़े केड़े स्पीशीज ने, जिन्हें भी स्पीशीज दिते से उन्होंने ठीक है उन्होंने सब केसेस सी अपने को जीनोन ते की हैगा एक एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो 1, 2, 3 इस क्वेश्चन की आना से अपना करैक्ट आंसर बनना सी। उस तो बाद देखो अपने को डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर पूछा, डायपोल मूवमेंट का ये वाला ऑर्डर तो मास्टर कैडर के अंदर कई बार रिपीट कर चुका है। तो देखो आप जो रूल लगाते रूल के अकॉर्डिंग आप सोचते कि CH3F3 डायपोल मूवमेंट ज़्यादा है, उस फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, उस तो बाद CH3Cl, उस तो बाद CH3Br, उस तो बाद CH3I ठीक है, आप वाला ऑर्डर एक्सपैक्ट करते हैं, बट एक्चुअल ऑर्डर की होंगे डायपोल मूवमेंट का, डायपोल मूवमेंट का एक्चुअल ऑर्डर की होंगे क्लोरीन वाले की ज़्यादा हो जाती है, तो क्लोरीन वाले की डायपोल मूवमेंट की होंगी है ज़्यादा हो जाती है। कि इस रीजन मैं ऑलरेडी क्लासेस एक्सप्लेन कर चुका हाँ, ठीक है, बिकॉज जी डायपोल मूवमेंट होंगी है उस अपने को
एक तो चार्ज फैक्टर होंगे तो दूसरा डिस्टेंस भी की होंगे एक फैक्टर होंगे, दोहां का जो रिजल्टेंट हों अपने को वाला बनता है ये की होंगे अपने को ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट होंगे। तो उसने पूछा है रेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट। डिक्रीजिंग ऑर्डर का की मतलब है, सब तो पहला हाईएसट वाला दसो, हाईएसट वाला कि CH3Cl, फिर लोएसट वाला ए वाला आ जाएगा, फिर उस तो लोएसट वाला ए वाला आ जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग अपना करैक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सैकेंड। इस क्वेश्चन लिए अपना करैक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सैकेंड, ये वाला ऑप्शन की बन जाएगा अपना करैक्ट बन जाएगा डायपोल मूवमेंट का। तो इंपॉर्टेंट की है एक्सैप्शनल ऑर्डर है जिहड़ा कि तुहाडे मास्टर कैडर एग्जाम की चुके हैं, काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। उस तो बाद देखो ठीक है द ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है हूँ मैं एक वर्ड से स्ट्रैस करता इलेक्ट्रॉन पेयर, जो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होंगी स्टूडेंट्स में, अज मैं थोड़ी कन्फ्यूजन दूर करता। सब तो पहली गल जो आप देखिए एक होंगी ज्योमेट्री, एक होंगी अपने को ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री एक होंगे शेप। जो अपने शेप दसनी हैगी उदों तो लोन पेयर कंसीडर नहीं करने, शेप की अपने लोन पेयर कंसीडर नहीं करने शेप का, चलो इसका कोई इशू नहीं है। जो अपने शेप दसनी हैगी लोन पेयर कंसीडर नहीं करने। फॉर एग्जाम्पल अपने को वाटर मोलीक्यूल है, वाटर मोलीक्यूल का स्ट्रक्चर इस तरह होंगे गा ठीक है ना, जो इसकी शेप दसनी है अपने ये शेप दसनी हैगी तो उदो इसकी शेप बेंट हो जाएगी, कोई इशू नहीं है बिकॉज अपने शेप के अंदर लोन पेयर्स कंसीडर नहीं करना होंगे, अपने शेप के अंदर लोन पेयर्स कंसीडर नहीं करना होंगे ठीक है। तो इसकी शेप बन जाएगी बेंट शेप, कोई इशू नहीं, शेप तो सबनों क्लीयर है। उस तो ज्योमेट्री अपने को दो तरह की होंगी है, ज्योमेट्री अपने को दो तरह की होंगी है, एक होंगी मोलीकुलर ज्योमेट्री, एक होंगी अपने को मोलीकुलर ज्योमेट्री, दूसरी होंगी अपने को इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। एक होंगी अपने को मोलीकुलर ज्योमेट्री, दूसरी होंगी अपने को इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। जो तो अपने मोलीकुलर ज्योमेट्री दसना है ये जिन्हें भी मैं थोड़े पंजाब लैक्चर कैडर के क्वेश्चन देखे थे, तो उस जो तो मोलीकुलर ज्योमेट्री तो सिंपल उसने लिखता ज्योमेट्री ठीक है, जे उसने लिखता ज्योमेट्री या सिंपली उसने अपने की कंसीडर करना है मोलीकुलर ज्योमेट्री। जो तो उसने अपन पूछ लिया ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का मीनिंग ही होंगे अपने को मोलीकुलर ज्योमेट्री ही होंगे क्लीयर है। तो जो मोलीकुलर ज्योमेट्री या ज्योमेट्री सिंपली पूछ ले तो उदो अपने शेप वाला ही आंसर करना होंगे, उदो अपने कहड़ा आंसर करना होंगे शेप वाला ही आंसर करना होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो तुहाडे मास्टर लैक्चर कैडर से पूछा गया सी एक क्वेश्चन, तो उस उन्होंने ज्योमेट्री पूछा सी, तो ज्योमेट्री से उन्होंने आंसर कह दिया शेप वाला ही आंसर कंसीडर किया। हूँ जो उसने इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछ लिया स्पैशली, तो अपने कंसीडर करना बोथ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, तो मतलब जो ज्योमेट्री दसनी अपने तो लोन पेयर तो बॉन्ड पेयर दोहां की करना है कंसीडर करना है। मतलब जे अपने को इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछ ले, जे अपने तो सिंपली स्पैशली इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछ ले, तो अपने की करना होंगे गा जे अपने को स्टेरिक नंबर आ जाए टू, तो इस केस अपने को एस पी हाइब्रिडाइजेशन होगी, एस पी टाइम लीनियर आंसर आ जाएगा, एस पी टू टाइम अपने को आंसर आ जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन होगी अपने को आंसर आ जाएगा टैट्राहेड्रल, टैट्राहेड्रल। जे अपने को एस पी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन होगी तो इस केस अपना आंसर बन जाएगा ट्रिगोनल बाईपिरामिडल TBP। जे अपने को हाइब्रिडाइजेशन होगी एस पी थ्री डी टू तो उस केस अपना आंसर बन जाएगा ऑक्टाहेड्रल। जे अपनी हाइब्रिडाइजेशन होगी एस पी थ्री डी थ्री तो उसका आंसर आ जाएगा अपना पेंटागोनल बाईपिरामिडल। तो ये वाला केस कदों है जो अपने तो की पूछी जाए इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछी जाए, ये वाले केस कदों ने जो तो अपने तो पूछी जाए इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। हूँ उसने इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ही पूछा है तो इट मीनस आप इसकी सिंपली हाइब्रिडेशन क्डा IF5 ठीक है ना, IF5 क्डा 7+5 2, तो इस केस अपने को स्टेरिक नंबर आ जाएगा 6 तो SP3D2 हाइब्रिडाइजेशन। इस जो स्टेरिक नंबर 6 होंगे अपने को ज्योमेट्री कि होंगी है ऑक्टाहेड्रल ठीक है ना, अपने को आंसर की आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल ठीक है ना। अपने लोन पेयर तो कुछ लेना देना नहीं है ठीक है ना, तो स्टूडेंट इस आंसर स्क्वेयर पिरामिडल टिक कितने होंगे, बट इस आंसर स्क्वेयर पिरामिडल नहीं आएगा। हूँ इसकी सारी कन्फ्यूजन मैं थोड़ी दूर करती है, तो इस क्वेश्चन ही अपना करैक्ट आंसर बनेगा ऑक्टाहेड्रल ठीक है ना। जो तो अपने को इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछ लिया तो अपने लोन पेयर तो बॉन्ड पेयर दोहां की करना होंगे गा कंसीडर करना होंगे गा। देखो अपने को नैक्सट क्वेश्चन जो पूछा गया किड़े दो मोलीक्यूल जी हाइब्रिडाइजेशन है SP3 है। हम देखो NF3 के अंदर भी SP3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, वाटर के अंदर भी अपने को क्या आ जाएगी SP3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कढ़ना बड़ा ईजी कॉन्सैप्ट होंगे, सारे स्टूडेंट्स को आता होगा। तो देखो इन्हों कि इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट मोलीक्यूल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट कि ब्रोन फैमिली वाले
बोरोन फैमिली वाले की होंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट, इन्होंने आप बोलते हैं हाइपोवेलेंट कंपाउंड। हाइपोवेलेंट कंपाउंड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इन्हों के जो वेलेंस शैल के इलेक्ट्रॉन होंगे ने, इन्हें जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ने वो लैस दैन की होंगे 8 होंगे ने, मतलब इन्हों का की होंगे गा एक तरह इनकंप्लीट ऑक्टेट होंगे, इन्हों का इनकंप्लीट ऑक्टेट होंगे गा, ऑक्टेट जो इन्हों का कंप्लीट नहीं होंगे है। देखो नाइट्रोजन के उपर लोन पे है, तीन क्लोरीन अटैच ने, इस केस देखो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स ने नाइट्रोजन को, पूरे भी सी सी एल फोर को 8 इलेक्ट्रॉन ने, पूरे देखो पी सी एल फाइव को 10 इलेक्ट्रॉन्स ने, ठीक है। फॉसफोरस के जो 5 बॉन्ड्स बने हुए हैं अपने को, इस को इट मीनस किन्ने इलेक्ट्रॉन ने गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस को 10 इलेक्ट्रॉन ने, बट इस को इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट नहीं, एक ही ने अपने को हाइपरवेलेंट ने। ये कंपाउंड किहड़े ने? हाइपरवेलेंट मतलब जिन्हों के वेलेंस इलेक्ट्रॉन किस तो 8 तो ज़्यादा होंगे ने, उन्होंने आप बोल देंगे हाइपरवेलेंट कंपाउंड। बट इस क्वेश्चन लिए अपना करैक्ट आंसर बनना सीगा पी सी एल थ्री, ठीक है ना। उन्होंने की पूछा जी अपने को इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट पूछा। नैक्सट पूछेगा इन्हों टैट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किसका बनेगा, तो वह बन जाएगा अपने को जीनोन टैट्राऑक्साइड, और मैं बना के दिखा दिना सूँ, बाकी स्ट्रक्चर तुम बना सकते हो अपने 8+0/2, अपने को 4 आ जाएगा। SP3 हाइब्रिडेशन बॉन्ड पेयर किन्ने बन गए 4, लोन पेयर किन्ने बन गए 0, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होंगे जीनोन डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड, इस तरह स्ट्रक्चर होंगे इसका। तो अपने को करैक्ट आंसर की बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 की बन जाएगा इस क्वेश्चन लिए अपना करैक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अपने को एक कंपाउंड दिता है उसकी शेप पूछेगा। देखो अपने को केस दीजिए आप हाइब्रिडेशन कढ़ी 8+2/2 5P3 डी हाइब्रिडाइशन आ जाएगी, मतलब अपने को DBB टाइप बनेगा। अगे देखो अपने को इस अपने को बॉन्ड पेयर किन्ने बन जाएंगे 3, लोन पेयर किन्ने बन जाएंगे, जो आप दो लोन पेयर को किस पोजिशन पर रखा, इक्वेटोरियल पोजिशन जीनोन ये डबल बॉन्ड ओ, ये दो दो लोन पेयरस ने, अपने को फ्लोरीन। देखो किहड़ी शेप बन गई अपने को, बन गई अपने को टी शेप, आंसर बन गया अपने को टी शेप, ऑप्शन नंबर डी की हो जाएगा इस क्वेश्चन लिए करैक्ट हो जाएगा। उस तो बाद देखो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोनेटाइन, देखो कुछ नहीं है, 4+ ऑक्सीजन कंसीडर नहीं करते बट 2 नैगेटिव है करके 2 ऐड करता, डिवाइड बाय टू 6 3, तो SP2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी की हो जाएगा करैक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, उस तो बाद अपने को पूछेगा सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन, तो अपने को देखो अमोनिया के केस की आ जाएगा 5+3/2 4 तो आ जाएगी SP3, उस तो XeO2F2 8+ ऑक्सीजन कंसीडर नहीं करना बट फ्लोरीन तो करना है, तो 10/5 तो अपने को बन जाएगी SP3D। तो देखो SP3 SP3D ये वाला ऑप्शन बन गया अपने लिए ऑप्शन नंबर 2, है ना। अपन दो ही चेक कितने बट दो तो ही अपना ऑप्शन बन गया, बट आप चलो बाकी भी चेक कर लें। ये सिलीनियम कि फैमिली का होंगे अपने को ऑक्सीजन फैमिली का, तो 6+4/2 5 इस भी अपने को SP3D बन जाएगी, तो NO2+ 5-1/2 4/2 2 SP हाइब्रिडाइजेशन। तो अपने लिए सेकेंड ऑप्शन की ये परफेक्टली मैच कर रहेगा इस क्वेश्चन में, अपना करेक्ट आंसर सी ऑप्शन बी। नेक्स्ट पूछा है पोलराइजिबिलिटी ऑफ आयन, इसकी पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा होंगी है लार्ज अनायन, है ना। पोलराइजिबिलिटी की दिखना होंगे अपने लार्ज अनायन दिखना होंगे, आप लार्ज अनायन देखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर कि लिखना है, सब तो पहले हाइएस्ट वाला फिर लोएस्ट फिर उस लोएस्ट, तो इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सब तो पहले हाइएस्ट वाला फिर लोएस्ट वाला। डिक्रीजिंग ऑर्डर का की मीनिंग होंगे सब तो पहले हाइएस्ट फिर लोएस्ट फिर लोएस्ट फिर लोएस्ट, अपने को हाइएस्ट पोलराइजिंग पावर की सी सॉरी हाइएस्ट पोलराइजिबिलिटी अपने को होगी I-C की हो जाएगी अपने को हाइएस्ट पोलराइजिबिलिटी, हाइएस्ट की हो जाएगी इसकी पोलराइजिबिलिटी हो जाएगी। उस तो देखो अपने को कुछ स्ट्रक्चर इतने उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन से शेप्स नाल की करना सीगा मैच करना सी, तो सॉल्व कर लेने फिर काफ़ी लेंदी क्वेश्चन अपने को।
चलो पहले डिस्कस कर दे अपन जीनोन एफ फोर, ठीक है ना। और हाइब्रिडाइजेशन देखिए 8 + 4/2 = 6, ठीक है। एस पी थ्री पी टू हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे 5, लोन पेयर कितना बनेगा 1, बॉन्ड पेयर 4 बन जा 5 बन जाएंगे तो लोन पेयर 1। एस डी ज्योमेट्री कि बन जाएगी जीनोन डबल बॉन्ड ओ, 4 अपने को फ्लोरीन नेगे, 1 अपने को किएगा लोन पेयर इस तरह। एस डी केड़ी शेप बन गई, ये शेप अपने को बन गई स्क्वेयर पिरामिडल, शेप कि बन गई इसकी स्क्वेयर पिरामिडल। तो आप मैच कर देंगे तो उसने की क्या हैगा इन्हें जो इनकरेक्ट कॉम्बीनेशन हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री डी टू शेप अपने को स्क्वेयर पिरामिडल बिल्कुल बन गई। हाँ ये वाला ऑप्शन तो सैकंड मैं गलत ही हो गया, क्यों गलत हो गया अपने को क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप ऊपर ही कितना सेम एस पी थ्री होंगी है 8 + 0/2 और 4 तो एस पी थ्री डी पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन होंगी है, एस पी थ्री डी तो हो ही नहीं सकती। ये वाला अपना ऑप्शन नंबर बी की हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, कि जेडे भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन बी टिक किया सी वो एब्सोल्युटली करेक्ट ने। ये सी एल एफ थ्री के अंदर क्लोरीन ते लोन पेयर पूछेगा, देख लो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी 7 + 3/2, ठीक है 5, ये 5 स्टेरिक नंबर आ गया इसका, उस बॉन्ड पेयर कितने ने 3 ने ते लोन पेयर कितने ने लोन पेयर कितने आएंगे अपने को 2 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी की हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंबर बी की हो जाएगा इस क्वेश्चन लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन्हों अपने मैच करना है उन्होंने अपने शेप्स नाल। हुण देखो आप पहले जीनोन एक्स टेट्राफ्लोराइड की बनाने 8 + 4/2 6 एस पी थ्री डी टू, बॉन्ड पेयर किन्ने आ गया अपने को 4, लोन पेयर किन्ने आ गए 2, अपने को कुछ अपने शेप बन जाएगी 4 फ्लोरीन अटैच ने लोन पेयर उपर लोन पेयर नीचे, इस तरह अपने को बन जाएगा स्क्वेयर प्लेनर शेप बन जाएगी। तो पहले का ए का अपने को मैच होएगा 4 नाल, ए का मैच होएगा 4 नाल, आप ए वाले ऑप्शन कट देने, ए वाले ऑप्शन कट देने। देखो जेडे कॉमन ने ठीक डी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं बिकॉज डी च उरे 2-2 होगा। आप ऑप्शन नंबर बी चेक कर दिए अपना आंसर आ जाएगा, जीनोन एफ सिक्स की आप चेक कर लेने 8 + 6/2 7 आ गया, तो बॉन्ड पेयर किन्ने बन गए 6, लोन पेयर किन्ना बन गया 1, तो यही डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होंगे अपने को हैगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल दी है ना, एज इट इज़ पढ़िया होगा कंडीशन है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसका मैच हो जाएगा बी का अपने को, बी का मैच हो जाएगा बिल्कुल 3 नाल, बी का मैच हो जाएगा 3 नाल। देखो अपने भी फर्स्ट ऑप्शन ही बन रहा करेक्ट है ना, फर्स्ट ऑप्शन ही बन जाएगा इस क्वेश्चन लिए करेक्ट बन जाएगा, ईजी क्वेश्चन से जो अपन शेप से ज्योमेट्री का आइडिया है। उस तो बाद ये वाला क्वेश्चन तो ईजी है, द करेक्ट ज्योमेट्री एंड शेप है ना, करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो इस क्वेश्चन जो देखो अपने को ऊपर ही सॉल्व कर कटे है पहले, ठीक है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन की कड़ी से अपने एस पी थ्री डी टू, शेप की कड़ी सी स्क्वेयर प्लेनर, अपने को आंसर आ जाएगा एस पी थ्री डी टू स्क्वेयर प्लेनर, तो ऑप्शन नंबर डी की हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। उस बाद देखो पोलैरिटी बिटवीन टू एटम्स, ये दो एटम्स के बीच पोलैरिटी किससे डिपेंड करती है, ठीक है। जो ए आपके वाले अट्रैक्ट कर लूगा तो इससे क्या नैगेटिव क्या पॉजिटिव, तो मतलब पोलैरिटी बेसिकली इलैक्ट्रोनैगेटिविटी डिपेंड करती है। इलैक्ट्रोनैगेटिविटी की होंगी है इलैक्ट्रॉन पेयर्स आपके वाल अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, जिहड़ा जिन्ना जल्दी अट्रैक्ट कर लूगा उससे की होंगे पार्शियल चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, जिस करके अपने को आ जाती है पोलैरिटी आ जाती है। तो क्वेश्चन का अपने को करैक्ट आंसर थी ऑप्शन नंबर बी। उस तो देखो ये काफ़ी वधिया क्वेश्चन सीगा जेडे स्टूडेंट्स ये अप्रोच कर पाए ने। देखो अपने को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस मान लो, ठीक है ना, जे अपने जेड एक्सिस मान लिया तो इससे परपेंडिकुलर ज़्यादा अपने को होगा। देखो जेडे पी एक्स होंगे एक अपने को, जे इसमें पी एक्स मान देगा एक एक्सिस लौंग, तो एक एक्सिस लौंग अपने को ए पी एक्स है ए वाला, तो पी वाई होंगे एक एक पी जेड होंगे, तिने आपस की होंगे परपेंडिकुलर होंगे ने। हूँ जो जेड एक्सिस है सपोज करो इसमें मैं मान लेना पी एक्स, ठीक है ना, हूँ एक अपने को पी वाई, ठीक है ना, एक जेड न अपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लिया, एक अपने को ऑर्बिटल पी एक्स, तो एक है पी वाई, ये पी वाई की होगा इससे परपेंडिकुलर होगा, मतलब मैं कुछ इस टाइप ना शो कर लेना। तो उन्होंने पूछ रहेगा कि बॉन्ड बनेगा पी एक्स से पी वाई की ओवरलैपिंग, कोई बॉन्ड नहीं बनना, ठीक है। देखो अपने को जेड का अपने एक्सिस मान लिया, पी एक्स से पी वाई के अंदर बॉन्ड कदों बनता जो ये आपस ओवरलैप करते साइडवेज, बट यह आपस ही परपेंडिकुलर नहीं, ठीक है ना, जो पी एक्स अपने को इस तरह का तो पी वाई कुछ इस तरह का,
पी वाई सामने कुछ इस तरह का, तो इन्हें ओवरलैपिंग तो अपने कोई नहीं सकती है, ओवरलैपिंग तो कोई नहीं सकती है, नो बॉन्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो इसका आंसर आना चाहिए अपने को नो बॉन्ड फॉर्म। हाँ जे अपने को कहता जेड एक्सिस है, ठीक है ना, तो पी एक्स से पी एक्स के बॉन्ड बनेगा, ये पी एक्स है ये भी पी एक्स है, तो पी एक्स के बन जाएगा साइडवेज ओवरलैपिंग नाल, अपने को साइडवेज ओवरलैपिंग ने कि बॉन्ड बनता अपने को पाई बॉन्ड बनता। ये अपने को जेड इंटरन्यूकुलर एक्सिस है उसने कहा, तो अपने को पी जेड से पी जेड इंटरन्यूकुलर एक्सिस लॉन्ग के बॉन्ड बनता अपने को एक्सिल बॉन्ड, एक्सिल बॉन्ड इसमें आप बोल रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि किसू इंटरन्यूकुलर एक्सिस बना रहा है तो किन्ना के बिचला बॉन्ड पूछ रहेगा। और सिंपल जी कंडीशन हो गई अपने को, जे अपने को जेड इंटरन्यूकुलर एक्सिस है तो जेड जेड के अंदर पी जेड के अंदर कि बॉन्ड बनेगा सिग्मा, ठीक है। पी एक्स से पी एक्स कि बॉन्ड बनेगा पाई, पी वाई से पी वाई कि बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड, ठीक है जी। आप गल करिए पी एक्स से पी वाई कि बॉन्ड बनेगा तो नो बॉन्ड, ठीक है सिंपल। ठीक है अपने की करनी है बेसिकली ओवरलैपिंग चेक करनी है, ठीक है ना। तो ये वाले की होंगे अपने को कंडीशन हो सकते हैं जेडे कि अपन जस्ट इमेजिन करनी है, ठीक है ना। इसमें कोई रटन वाला पार्ट नहीं है, बस जस्ट बाय लॉजिक के अपने की करवानी होंगी है, ओवरलैपिंग करवानी होंगी है। उस तो बाद देखो करैक्ट ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर, ठीक है। कटाइन की पोलराइजिंग पावर कदों ज़्यादा होएगी, जो तो उससे चार्ज ज़्यादा होएगा, ठीक है। हम अपने को ऑप्शन नंबर या तो फर्स्ट बनेगा या ऑप्शन नंबर फोर्थ बनेगा, ठीक है। ज़्यादा ऑप्शन नंबर फर्स्ट फोर्थ, क्योंकि जिन्ना प्लस चार्ज उन्नी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, बट छोटा कटाइन, ठीक है, छोटे कटाइन की हो जाएगी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी, इस करके अपना ऑप्शन नंबर की बन जाएगा ए बन जाएगा। बिकॉज अपने को सीजियम प्लस से पोटाशियम प्लस से कड़ा होंगे, पोटाशियम प्लस जोड़ा छोटा होंगे वो की होंगे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर। बाकी सब तो पहले अपने चार्ज चेक करना है, चार्ज तो बाद की चेक करना अपने साइज चेक करना। उस तो बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम आयनिक करैक्टर, ये मैक्सिमम आयनिक करैक्टर तो मैं क्लीयरली देख रहा है अपने को, याद कर लियो सिंपल जी गल, लिथियम तो ब्रिलियम के कंपाउंड्स की होंगे कोवलेंट करैक्टर होंगे, लिथियम के ब्रिलियम के कंपाउंड्स की होंगे कोवलेंट करैक्टर होंगे। तो जिते भी अपने को मिनिमम आयनिक करैक्टर कदों होगा, जो तो अपने को लिथियम वाले कंपाउंड हो या ब्रिलियम वाला मैच कर लो, देख लो सैकेंड नंबर पर ब्रिलियम इस जीतता है ना। ऑप्शन बी की होना से इसलिए करैक्ट होना से, अपन पता है रिबीडियम क्लोराइड से की होगा आई आयनिक करैक्टर, तो बी ई सी एल टू ब्रिलियम के कंपाउंड्स की होंगे मिनिमम आयनिक करैक्टर, बिकॉज इस की होंगे ने अपने कोवलेंट करैक्टर्स, ठीक है ना। यह गल तो अपन पता ही है जो लिथियम के ब्रिलियम के कंपाउंड्स होंगे ने उन्होंने की करते हैं कोवलेंट करैक्टर्स डोमीनेट करते हैं, बिकॉज उन्होंने की होंगे छोटा कटाइन होंगे, जो छोटा कटाइन होंगे हाई पोलराइजिंग पावर होंगी है, जो हाई पोलराइजिंग पावर होंगी है तो फजांस रूल के अकॉर्डिंग अपने कोवलेंट करैक्टर की हो जाते हैं डोमीनेट हो जाते हैं। आई थिंक ये वाले टेस्ट के वीडियो सोल्यूशन सारे स्टूडेंट्स को क्लीयर होंगे, जिहड़े भी उन्होंने मिसटेक्स ने उस तो की कर सकते हैं स्टूडेंट्स फोकस कर सकते हो, बिकॉज टेस्ट अटैम्प्ट करने तो बाद, ठीक है, टेस्ट अटैम्प्ट करने तो बाद अपना जो मिसटेक्स होंगे ने उन्होंने डेफिनेटली अपने एनालाइज करना होंगे, बिकॉज जिन्हें भी अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं सारे वधिया क्वेश्चन ने जो तुहाडे एग्जाम च डायरैक्टली पूछे जा सकते हैं, बट मेन चीज़ की होंगी अपन कॉन्सैप्ट क्लीयर होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।